सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं वो वर्ड सर प्रोजेक्ट। चेकबुक देना। क्या डिफिकल्ट सर? डिफिकल्ट क्या होता है सर? आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता, ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। एमएलएम इंडस्ट्री भी एक खेल का मैदान है, यहाँ पे भी आपको खेलना होता है। यदि आप फुटबॉल खेल रहे हो तो 11 के 11 प्लेयर एक दूसरे को पास दे के खेलना पड़ता है। आप अकेले गोल नहीं कर सकते, आपको टीम वर्क करना होता है। टीम वर्क, सही टीम वर्क करोगे तो जीतोगे। यदि मैदान क्रिकेट का हो तो 11 के 11 प्लेयर आपको घेर के खड़ा रहता है, आप बल्ला लेके परेशान। एक बंदा आपको आउट करने के लिए कभी गूगली फेंकता है, कभी इन स्विंग फेंकता है, कभी आउट स्विंग फेंकता है, लेकिन बीच में कभी फुल टॉस भी मिलता है। यस, कभी बॉल वैसा भी मिलता है जिसमें आप चौका छक्का मार सको। कभी आपको डिफेंस भी खेलना पड़ता है, कभी विकेट बचा के खेलना पड़ता है, कभी धुमाकड़ खेलना पड़ता है। ये एक अच्छा खिलाड़ी समझता है। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हो तो आपको पक्का पता होता है कि मुझे किस बॉल को किस तरीके से खेलना है। एमएलएम इंडस्ट्री भी सेम है। यस, आपको पता होना चाहिए, एक सही खिलाड़ी हर बॉल को खेल जाता है, हर ना का जवाब है उसके पास, हर चीज को समझाने के लिए उसके पास तरीका रहता है, उसके पास अच्छा प्लान रहता है, उसके पास अच्छा थ्योरी रहता है, उसके पास लिस्ट होता है, उसके पास टूल्स होता है कि किस टूल्स का इस्तेमाल कब किया जाए उसको पता होता है। एक अच्छे खिलाड़ी को पता रहता है कि कब उसको 2020 का गेम खेलना है, और 2020 का गेम खेलना है तो कितने जल्दी रन बनाना है। अगर उसको 50 ओवर का गेम खेलना है तो उसको पता होता है कि मुझे किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से जो है टीम के लिए स्कोर करना है। अगर उसको पेस खेलना है, अगर उसको टेस्ट खेलना है तो उसको पता होता है कि मुझे किस तरीके से खेलना है, मुझे किस तरीके जो है टिक के खेलना पड़ेगा। यस, उसको पता होता है। तो कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। अब जब भी संग्राम में जाओगे, चाहे खेल की मैदान हो, कहीं युद्ध की मैदान हो, जब भी आप जाओगे तो परिस्थितियाँ ऑलवेज जो है अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में जो खेलता है वही खिलाड़ी। यस, ये वक्त है आपके लिए खिलाड़ी के रूप में उभर कर आने का, ये वक्त है अपनी पहचान बनाने का। जब सारे प्लेयर थक चुके हैं तो आपको अपना खेल दिखाने का वक्त है ये। क्यों आप ऑलवेज जो है सीनियर के लिए डिपेंडेंट बने रहते हो? आप सीनियर खुद क्यों नहीं बनते? आप क्यों अपने टीम को लीड नहीं करते? आप टीम का कप्तान क्यों नहीं बनते? आप अगर दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे तो किसी ना किसी दिन जो है आप बहुत बड़ा होने का जो संभावनाएं हैं वो बंद हो जाएगी। तो दोस्त, आप खुद जो है अपने टीम को लीड कीजिए, आप खुद अपना लिस्ट बनाइए, आप खुद जो है अपना टीम को जो है सर्विस दीजिए, आप खुद वो सारी चीज़ें कीजिए जो आप अपने सीनियर से उम्मीदें रखते हो। आप जो सारी उम्मीदें, जो सारी आशाएं अपने सीनियर से रखते हो, वही सर्विस अपने टीम को देने लग जाओगे, उस दिन जो है आपका टीम बहुत स्पीड से भागेगा, उस दिन आपको किसी को सीनियर बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। गेम हमें यह सिखाता है कि ऑलवेज कप्तान ही जो है अच्छा गेम नहीं खेलता, बल्कि उस टीम में कोई अच्छा बॉलर होता है, कोई अच्छा बैट्समैन होता है, कोई अच्छा कीपर होता है, और वो टीम जीत जाता है। बट मैन ऑफ द मैच बनने के लिए, मैन ऑफ द सीरीज बनने के लिए कैप्टन होना जरूरी नहीं है, और कैप्टन की जिम्मेवारी भी नहीं है कि वही जो है मैन ऑफ द मैच बने, वही अपने टीम को जिताए। जिम्मेवारी टीम के हर प्लेयर के अंदर होता है, तभी एक बेस्ट टीम कहा जाता है। यस, टीम वर्क पे ध्यान दीजिए दोस्त, एक दूसरे का कसूर डालना छोड़ दीजिए, एक दूसरे के उम्मीदें रख के एक दूसरे को फेलियर साबित करने का जो ये बहानाबाजी है ये छोड़ दीजिए। और इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं, नथिंग इज डिफिकल्ट। जिस दिन आपकी कशिश चरम सीमा पे होगी उस दिन आपकी जीत निर्धारित है, निश्चित है उस दिन आपका जीत। तो अभी आपने आजू बाजू में देखिए बहुत सारे खिलाड़ी थक चुके हैं, और अब जो है आपको अपने आप को सही खिलाड़ी साबित करने का मौका मिला है। यस, गो सक्सेस। ये MLM इंडस्ट्री आप जैसे चेहरे को बहुत बड़ी ऊंचाइयों में देखने के लिए तरस रहे हैं, हम आपके मदद करने के लिए तैयार हैं। 8084181918 सोमनाथ मिश्रा बिजनेस ट्रेनर ऑलवेज आपके साथ है, सब तरह का क्वेश्चन जवाब, हर तरह का हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी, और मेरे जैसे तमाम लीडर आपके मदद करने के लिए ऑलवेज रेडी है, यहाँ तक कि भगवान भी आपको मदद करने के लिए बैठा है।
बस कहते ये हैं कि शुरुआत तू कर, जीत का परचम हम लहराएंगे। ओके दोस्त, गो सक्सेस, जय हिंद।